बिलासपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि अब परिवहन विभाग के निर्देशक के आदेशों के अनुरूप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में वाहनों का टैक्स व जुर्माने की राशि नकदी के रूप में जमा नहीं होगी बल्कि एटीएम से होगी। अब सारा काम कैशलेस होगा। केवल स्वैप मशीन खराब होने की दिशा में ही टैक्स आरटीओ की अनुमति से नकदी के रूप में जमा होगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वो आरटीओ बैरियर पर भी 1 मई से कैशलेस काम होगा, जिससे कर्मचारियों का काम आसान होगा। वहीं इससे समय की बचत होगी, कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने लोगों एवं वाहन मालिकों से टैक्स जमा करवाने के लिए एटीएम कार्ड साथ लाने का आग्रह किया है। के लिए बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिसेंटली 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, विच आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजेक्शन इन आरटीओ ऑफिस एज वेल एज एट आरटीओ बैरियर्स। इन डिसीजंस में जो पहला डिसीजन लिया गया है वो ये डिसीजन लिया गया है कि आरटीओ ऑफिस में अब जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्रांसपोर्टर किसी भी फीस पब्लिक पेनल्टी को जमा करवाने के लिए आएगा तो उसे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके वो एटीएम कार्ड, पब्लिक डेबिट कार्ड लेकर आए। हमने वहाँ पर पॉस्को मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हैं, उसका इस्तेमाल करें। हम आरटीओ ऑफिसेज में कैशियर की सीट के ऊपर कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों की सहूलत के लिए 5-6 दिन, एक हफ्ता का हमने एक ग्रीस टाइम दिया है ताकि लोग उसके आदि हो जाएं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो है वो आरटीओ ऑफिस में नहीं की जाएगी। यदि पॉस्को मशीन ऑब्लिक स्वाइप मशीन खराब है, सिर्फ उसी एवज में जो व्यक्ति है वो कैश ट्रांजैक्शन करेगा। नंबर 2, जो आरटीओ बैरियर्स हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वायलेटिंग जो व्हीकल ओनर्स हैं वो जो चलान है, चलान फीस जब ये कंपाउंड की जाती है तो वो कैश के माध्यम से देते थे और उसको रिसीट दी जाती थी, लेकिन अब वो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 1 महीने का टाइम के पीरियड के बाद 1 मई 2019 से क्लियर कर दिया है कि 1 मई 2019 के बाद कोई भी कंपाउंडिंग ऑफ फीस एट आरटीओ बैरियर वो कैश में नहीं होगी, वो भी स्वाइप मशीन के माध्यम से होगी। ये दोनों स्टेप्स डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उठाए गए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पब्लिक में आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करें ताकि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक ट्रांसपेरेंसी का जो माहौल बना है उसको एक अलग से इम्पीटस मिल सके और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना।